हर व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में इतना फंसा हुआ है कि वे ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देता है और उनके वचनों को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। यही एकमात्र कारण है कि आज हमारे जीवन में हम पहला स्थान या तो काम को या अपनी धन संपत्ति को या आभासी जीवन को देते हैं, जो भले ही हमें आधुनिकता की ओर ले जाता है परंतु आध्यात्मिकता से कोसों दूर। आज हम इस प्रस्तुति द्वारा यही दर्शाना चाहते हैं कि हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर हमें ईश्वर मिलेंगे, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस ईश्वर को अपनाकर अपना जीवन ईश्वर की इच्छा अनुसार निस्वार्थ और सेवा भाव से जी पाते हैं या नहीं। आइए देखें। किसी शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश थे और अपने जीवन से संतुष्ट थे, परंतु उसे ईश्वर को देखने की इच्छा थी और इसीलिए वे निरंतर प्रार्थना करता था। एक रात को जब वे सो रहा था, उसे स्वप्न में ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी। पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ कल भोजन के लिए आऊंगा। पहले तो वह डर गया, परंतु उसने विश्वास किया कि प्रभु आएंगे। अगले दिन सवेरे उठकर उसने अपनी पत्नी को अपने स्वप्न के बारे में बताया। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी वे खुशी से प्रभु के स्वागत की तैयारियों में लग गए। उसी समय उसके द्वार पर एक खटखटाहट होती है। पहले तो वह सोचता है कि प्रभु होंगे। देखिए, मैं विदेशी हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या आप मुझे स्थान दे सकते अपने घर? नहीं, आज हमारे घर पे प्रभु आने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। कृपया कहीं और देखिए। और वे परदेशी दुखी होकर वहां से चला जाता है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वे व्यक्ति नए वस्त्र पहने और स्वादिष्ट भोजन बनवा के प्रभु का इंतजार करता रहा। फिर से द्वार पर खटखटाहट सुनकर वे बड़े उत्साह से द्वार खोलता है, परंतु एक बूढ़ी स्त्री को देखकर वे दुखी हो जाता है। मैं यहाँ भोजन के लिए आई, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिलेगा? नहीं, आज हमारे घर प्रभु आने वाले हैं, तो मैंने खाना प्रभु के लिए बनाया है। आप कृपया कहीं और देखिए। वह स्त्री वहां से भूखी प्यासी ही लौट गई। जैसे समय बीतता है, वे मनुष्य बेचैन होने लगता है कि प्रभु अब तक क्यों नहीं आए। थोड़ी देर बाद फिर कोई द्वार खटखटाता है और इस उम्मीद में कि प्रभु आए होंगे, वे द्वार खोलता है, परंतु एक गरीब भिखारी को देखकर वे निराश हो जाता है। बाहर बहुत ठंड है और मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मेरे को रहने के लिए जगह और कपड़े दे सकते हो? नहीं, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, आप कहीं और देखिए। वह गरीब कपकपाता हुआ वहां से लौट जाता है। अब रात हो जाती है और उस मनुष्य का सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। वे गुस्से में यह सोचता है कि प्रभु क्यों नहीं आए, परंतु फिर दरवाजे पर खटखटाहट सुनकर
भाग जाती है और वे द्वार खोल देता है। लेकिन बाहर एक कोड़ी को देखकर वे गुस्से से भर जाता है। कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी बीमारी में मेरी सहायता कीजिए। नहीं, निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वे कोड़ी भी दुखी होकर वहां से चला जाता है। गुस्से में धुत कि प्रभु ने उसे धोखा दिया, वह सो जाता है। उसी रात उसे एक और स्वप्न दिखाई देता है, जिसमें प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, क्योंकि जो तुमने जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं बंदी था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे उनसे पूछते हैं, प्रभु हमने कब आपको भूखा प्यासा नंगा परदेशी बीमार और बंदी देखा और कब आपकी सेवा नहीं की? जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई के लिए नहीं किया वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। वह उठ जाता है और उसे एहसास होता है कि जिन लोगों को उसने ठुकराया था वे प्रभु के ही स्वरूप थे। हे प्रभु, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे द्वार पर आए, मैं बड़ा नादान था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। वह उसी समय उठकर उन लोगों को अपने घर ले आते हैं जिनको उसने अपमान किया था और उनकी सेवा सत्कार में लग जाता है, क्योंकि अब वह समझ गया था कि हर एक व्यक्ति प्रभु का ही प्रतिरूप है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ईश्वर हमें कई मौके देते हैं अपने जीवन को बदलने और उनकी सेवा करने के लिए, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसे देखते हैं। जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में लिखा है, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे वे कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। धन्यवाद।